दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। ये व्लॉग बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि आज मैं आ गया हूँ वेजिटेरियन जो लोग हैं जिनको वेज खा सकते हैं और टेस्ट का भी इनको ध्यान रखना पड़ता है, नॉनवेज नहीं खा सकते, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं इस समय चाप एक्सप्रेस पे आ चुका हूँ जो कि मालवीय नगर गिरधर माल जयपुर में है। जी हाँ, ये देखिए आप कितना अच्छा ये बटर डाल रहे हैं, क्रीम अमूल क्रीम डालते हैं, बटर डालते हैं। और यहाँ पर अगर आपने सोया चाप नहीं खाया तो दोस्तों ट्रस्ट मी आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। जयपुर के अंदर ग्रीन चटनी भी देते हैं और भीड़ भीड़ लगी रहती है इनके यहाँ पर। अलग अलग वैरायटी की सोया चाप आप देख सकते हैं स्क्रीन में आप सामने आ रही है। और अब इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? कैसा है डिश? फर्स्ट टाइम आया आप? कैसा लगा चाप आपको इधर? नाइस। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर? अच्छा, तो आपने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया पर? आपने भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया? तो क्या लगा आपको ये टेस्ट, कैसा लगा इसका? बहुत टेस्ट। अच्छा है, क्या डिफरेंट है यहाँ पर और दूसरी जगह? आई थिंक यहाँ पे जितने भी सोया चाप जी ज्यादा मसाले होते हैं शायद, सुना मैंने यहाँ पे बैलेंस्ड जो होने चाहिए उतने। चाहे संपर्क करो, कैसा लगा आपको भी? अच्छा है, काफी भीड़ होती है मतलब यहाँ पर। टेस्ट में क्या फर्क है मतलब यहाँ पर इनके? यहाँ जैसा कहीं मिलता ही नहीं है। कहीं मिलता नहीं है तो देखिए, यहाँ जैसा कहीं मिलता नहीं है। चाप एक्सप्रेस नाम है इसका। तो क्या मतलब कौन सा चाप ट्राई कर रहे हैं अगर यहाँ ट्राई कर रहे हैं? मटन सोया चाप वेज मिलता है ना यहाँ? ओनली फॉर वेज 100%। और भाई आप भी खाया पहले आपने यहाँ पे? ओनर हो आप यार, बढ़िया बढ़िया। तो बताओ थोड़ा, आप कब खोला आपने इसको? तो हो गए 5 साल। 5 साल हो गए, काफी भीड़ वगैरह होती है यहाँ पे। कितने बजे से आते हो, कितने बजे तक चलती है ये? ये चलती है शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे। शाम को 4 से 12? और कितनी मतलब ये कितना बिक जाता है आपका, ये क्या होता है? कुछ काफी बिक जाती है मतलब? ठीक है, तो देखिए इसमें बनाते हो आप? ये देखिए यार, ये बिल्कुल मतलब जो वेजिटेरियन खाने वाले हैं उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छी चीज़ है ये। लो सर। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि नॉन वेज है लेकिन ये वेज के अंदर आप नॉन वेज के मजे ले रहे हो। अरे तो आप मसाला एक दिन है क्या? हाय जरा। ये का मसाला और ये का दलू? दो आम मसाला दे दे। तो बहुत ही ज्यादा देखो फेमस जगह है यार। आप और अगर आप नॉनवेज खाते हैं और सॉरी अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं और आपको नॉनवेज का फील चाहिए तो आप इस जगह चाप एक्सप्रेस जरूर आ सकते हो। गिरधर मार्ग पे मैं हूँ, मैं गिरधर मार्ग, ये सीधी रोड जा रही है यहाँ पे। बगल में ताऊ चाय वाला है और ब्रांच है इसकी। और मैंने तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखी है, इनफैक्ट कभी यहाँ मैंने ट्राई नहीं किया है लेकिन मैं सोचा चलो यार ट्राई इनका जरूर करते हैं। और मालवीय में स्पेशली आप रहते हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी और जैसे कहते हैं ना काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। मलाई मोमो और तंदूरी मोमोस भी है, मसाला मोमोस है, मसाला मलाई मोमोस है, काफी चीजें मतलब आपकी पास। मशरूम है, वेरी नाइस है। दिखाओ क्वालिटी का लगाना। तो ये हमारा मलाई चाप, ये मलाई मसाला निकल के आ चुका है। ये यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है? अमूल बटर, अमूल क्रीम और अमूल बटर दोनों। इतनी सारी चीजें मुझे तो मालूम है, मैं मलाई चाप वगैरह थोड़ा कम ही खाता हूँ। क्या बात है यार, वेरी नाइस। कितने देते हो आप ये? 180 रुपए फुल है। 180। आप 90 का
100 रुपए का। 100 रुपए का ठीक है, 20 रुपए डिस्काउंट रहता है, मतलब ये जरा फुल होंगे। क्या बात भैया, एक तो मलाई का तो उसको ट्राई करते हैं कैसा है ये। इसमें इन्होंने बटर डाला है और मैंने बंदे दिखाए ही आपको, अमूल बटर है, अमूल क्रीम है। एक रोटी लिए हमने, 100 रुपीज का है, हाफ प्लेट है ये। बहुत ज़्यादा भूख थी नहीं इस समय, लेकिन आपके लिए अच्छा था, व्लॉग बनाना था और बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। मैं सोचा कि देखिए ये नवाला है इसका, और ये खा के देखते हैं इसको। काफ़ी क्रीम का टेस्ट आ रहा है, दही का टेस्ट आ रहा है और सॉफ्ट है काफ़ी। ये मलाई टिक्का है इसका। तो दूसरी चीज़ मैं देख रहा था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, इसमें जैसे कहते हैं ना कि तीखापन था, पर इसमें इतना तीखापन नहीं है। अच्छा मैंने मलाई टिक्का ही लिया, मैं ज़्यादा तीखा खाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस्तेमाल, स्पेशली चाप वगैरह तीखा मुझे इतना पसंद नहीं है। प्याज वगैरह अच्छा है इसके अंदर, और उसमें डालते हैं ये तंदूर के अंदर तो ये थोड़ा सा तीखा हो जाता है। आपको अच्छा लगने वाला अगर आप यहाँ आते हो तो चाप एक्सप्रेस। ये देखिए पीसेस भी इनके अच्छे हैं, एक पीस लेते अच्छा था। ये देखिए आप बढ़िया पीसेस हैं, और ये काफ़ी टेस्टी। और अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों होती है, लेकिन चीज़ अच्छी होती है तो डाइट की बातें वहाँ लोग आते हैं, और उसी जगह पे लोग मिलेंगे जहाँ पर चीज़ अच्छी बिकेगी। डेफिनेटली काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी यमी है। आपको ऐसा लगे आप चिकन टिक्का खा रहे हो, बड़े चिकन नहीं है, सोयाबीन है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और दिस इज प्योरली वेज। ये देखिए क्रीम देखिए, इसमें बटर देखिए, बहुत बढ़िया। आप भी आके ट्राई कर सकते हैं, चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बना नहीं छोड़ेगा। नोमैडिक अपने मेन्यू से मैंने नोमैडिक फूड लवर कर दिया, क्योंकि बेसिकली अभी सिर्फ फूड का ही चैनल बन चुका है मेरा। टाइम फॉर वॉचिंग, जयपुर में समय में हूँ, मालवीय नगर में, अब खाते हैं मैं, ठीक है ना। तो क्या नाम भी आपका? शुभम। तो आप भी यहाँ आते हो शुभम रेगुलरली? चाप एक्सप्रेस बहुत फेमस जगह है, हमें जो चाप में एक ही बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, काफी काफी। क्या वजह है ऐसी भीड़ होने से? खाया तो हमने भी, रेगुलर यहाँ पे रेगुलर बंदे हैं, जो भी आते हैं रेगुलर आते हैं। क्या बेस्ट आइटम क्या लगता है आपको यहाँ? मैं मलाई मसाला खाया, मलाई और पटाफे, हमने मलाई मसाला खाया था। मलाई मसाला क्या कम होता है वो? मलाई और दोनों कम, बटर वटर लेते हो आप उसके अंदर? बिल्कुल जाते हो आप चले जाते हैं बटर के अंदर, फिर वो तो नहीं फैट हो जाता है? कभी कभी खाने में, कभी खाने फूडी फूडी फूडी।